वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है थोड़ा थोड़े आपदे चैनल पर जिसका नाम आ इसड़ू वाला। सारियां तो पहला माफ़ी क्योंकि आपां तो चैनल पर रेगूलर नहीं रहा जाता, उहदा कारण समा अपने को कई बार नहीं लगता आ। पिछे जे आपां राजस्थान गए सीगे, उदू बाद आपां जाके आए मंसूरी पौंटा साहिब, फिर जम्मू कश्मीर। ये सारिया वीडियो बनाईया जरूर हुई ने पर एडिट करके पाउण दा समा नहीं लगता, हौली हौली पावांगे। तो जिन्हें भी तुसी देखते हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अज की वीडियो आप शुरू करते हैं। अज आप आए हैं जी अमृतसर। तो अमृतसर तो जो आप अटारी वालों जाने या छेटा साहब वालों जाने रास्ते दे विच गुरद्वारा साहब आउंदा। गुरद्वारा साहब का नाम सनसर साहिब। नाले दे इत्थे दर्शन करते हैं, तो नाल नाल इत्थे दा जो इतिहास आ वो तुहाडे नाल सांझा करते हैं। आ जाओ, ये है जी गुरद्वारा साहब का मेन गेट, गुरद्वारा श्री सन साहिब। इधरले पासे हैगी आ रहायश संगतां नूं, ते नवां काम भी चल रहा है। ते इधरले पासे आ जोड़ा घर, सामने आ गुरद्वारा साहिब दी इमारत। इत्थों दा जो इतिहास आ आपां बाबा जी दे कोलों सुणदे आ। आ जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये स्थान गुरद्वारा श्री सन साहिब है जी। इत्थे तीसरे गुरु अमरदास पातशाह जी गोइंदवाल साहब तो जदों बौली साहब की सेवा करवा रहे सी, ते भाई दासू जी नाराज़ हो के उन्होंने गुरु अमरदास जी को गद्दी ते बैठा लत मारी, ते गुरु जी ईरखा तो दूर रहण लई अपने जद्दी पिंड बासर के गिल्ला आए अते इस स्थान ते गुरद्वारा जिथे सन साहिब मौजूद है। इत्थे पहला कच्चा कोठा सी जिहड़ा के डंगर चारन वालिया ने बनाया सीगा। गुरु जी आके उस कच्चे कोठे विच बैठ गए अते भगती विच लीन हो गए। जद संगतां नूं पता चलिया कि गुरु जी नज़र नहीं आ रहे, तो संगतां समेत बाबा बुढ़ा जी गुरु जी की भाल दे विच इस स्थान पर आए, तो उन्होंने इस स्थान पर आके अज सामने हर की पौड़ी आ इतों जल जल लिया चोला लैके, तो सतनाम वाहगुरू का जाप करके ते कच्चे कोठे नूं पाड़ लाया, भाव संध लाई, तो संगतां नूं दर्शन करवाया। तो गुरु जी बोले भाई सिखो साडा हुक्म नहीं पढ़िया, असी तां बाहर लिख के लाया है जिहड़ा साडा दरवाजा खोलेगा वह साडा सिख नहीं होएगा। तो बाबा बुढ़ा साहिब जी बोले सतगुरु जी ताडा हुक्म अटल है, असी तां पिछों दी पाड़ ला के संध ला के ताडे दर्शन कीते ने, तो सतगुरां ने कलयुग जीवां लई इह सन साहिब दा जिहड़ा केंद्र बनिया वर दिता कि बाबा बुढ़ा साहिब जी तुसी ये सन ला के कलयुग जीवां दा आधार केंद्र बना दिता है। जिहड़ा भी प्राणी एक मन तन हो के इत्थों इशनान करके भाव हर की पौड़ी तो चूल्हा लैके सन वेदी लंघेगा, गुरां दे दर्शन करेगा, उन्हां दी चौरासी कट्टी जाएगी। इस चौरासी कट गुरद्वारा श्री सन साहिब गुरद्वारा है जी। इत्थे 28 अते 29 हर साल की तरह इत्थे जोड़ मेला मनाया जाता है। संगतां देशों विदेशों विचों धूम धाम नाल इत्थे नमस्कार कर लई पहुंचदियां हन अते गुरु दी खुशियां प्राप्त करदियां हन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये हर की पौड़ी पहला स्थान जी। ये श्री गुरु अमरदास जी जदों कच्चे कोठे दे विच आण के बैठ के भगती करन लग पे ना, ते बाबा बुढ़ा साहिब जी समेत संगतां गुरु जी दी भाल दे विच इस स्थान ते आए, ते उन्होंने इत्थों फिर इस पौड़ी तो हर की पौड़ी तो जल द मूँह हत्थ धो के ते वाहिगुरू सतगुरु का जाप करके फिर उन्हें उत्थे जाके ते कच्चे कोठे नूं पाड़ ला के भाव संध ला के सतगुरु नूं प्रगट किया। ये दो स्थान दसे गए ने, एक हर की पौड़ी ये ने, एक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। ये जी गुरद्वारा सनसर साहिब का इतिहास जो बाबा जी ने थोनों सुनाया आ। बाकी गुरद्वारा साहब का हजे दरबार साहब का जिहड़ा काम चल रहा है मरम्मत का, तुसी देख सकते हो सारा। बाबा जी दस रहे सी कि एक दो महीने के विच जिहड़ा यह काम दरबार साहब का सारा मुकम्मल हो जाएगा। तो आ सन जो मारिया सीगा उस समय बाबा बुढ़ा जी ने गुरु साहब के दर्शन करने लई।
यह मेन दरबार साहब जिथे मरम्मत का काम चल रहा सारा तो हूँ गुरु साहब प्रकाश कर रहे हैं इधर सामने जितों दलीप सिंह आ रहा तुरै यह जगह पर सामने है जी दरबार साहब जितों का मरम्मत का सारा काम चल रहा है। यह सीगा जी गुरद्वारा संसर साहिब का इतिहास। उम्मीद करता थोड़ी वीडियो चंगी लगी हो तो यह वीडियो आप इतनी समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी होर वीडियो के जब तक वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह चढ़दी कला। जो थोड़ा वीडियो चंगी लगदिया ने तो चैनल सबसक्राइब कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो, जो कुछ गलत आ तो कमेंट करके जरूर दस्या करो। धन्यवाद।